बॉलीवुड की क्वीन बन गई हैं, द रियल लाइफ क्वीन यानी कंगना रनौत। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन अब अवार्ड फंक्शंस में धूम मचा रही है। जहां एक तरफ तो उनका वक्त अच्छा चल रहा है ड्यू टू तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ क्वींस को मिल रहे हैं अवार्ड पे अवार्ड। हाल ही में 3 दिन चले आईफा अवार्ड्स में नाम छाया रहा कंगना रनौत और उनकी फिल्म क्वीन का। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट स्टोरी और कंगना को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया। वेल, कंगना वाज नॉट प्रेजेंट देयर टू टेक हर अवार्ड, लेकिन उन्होंने टू स्टेट्स, पीके, हैदर, हाईवे और मैरी कॉम की खूबसूरत एक्ट्रेसेस को हरा कर इस अवार्ड पर अपना नाम लिख दिया है। वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल कैटेगरी में हैदर फिल्म के लिए शाहिद कपूर को अवार्ड दिया गया है। उन्होंने हराया है आमिर खान फॉर फिल्म पीके, ऋतिक रोशन फॉर बैंग बैंग एंड शाहरुख खान फॉर हैप्पी न्यू ईयर को। यानी कुल मिलाकर बड़े बड़े स्टार से छीन लिया है ये अवार्ड शाहिद कपूर ने। जबकि कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मिला है वरुण धवन को और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है फिल्म टू स्टेट्स को। अनडाउटेडली टू स्टेट्स का म्यूजिक पिछले साल बहुत ही खूबसूरत और काफी मेलोडियस था। रितेश देशमुख को बेस्ट विलन का अवार्ड मिलना चाहिए था फिल्म एक विलन के लिए, लेकिन उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। जबकि बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला है केके को फॉर हिज रोल इन द फिल्म हैदर। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स एंड ऑल द बेस्ट टू दोज जो इस साल नहीं जीत पाए।